ओके सो गाइस, वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, तो कल जो हमने यहाँ पे किया था हयातो वर्सेस यहाँ पे शुरू करेक्टर का वर्सेस, उसमें गाइस यहाँ पे एक चीज़ जो हमने किया नहीं था, जहाँ पे कि हमें हयातो में डायमंड देना था तब जाकर उसकी एबिलिटी एक्टिवेट होता है, यानी कि मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम HP में से 10% HP डाउन होना चाहिए, तब उसकी यहाँ पे पावर इंक्रीज होता है। और ये चीज़ हमने किया आज, और इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ ये वीडियो सीरो कैरेक्टर वर्सेस हयातो कैरेक्टर, उसके साथ साथ हमारा पोडिंग पेट। अब पोडिंग पेट को मैंने क्यों रखा है, ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा यूनिक है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ओपी है। तो क्या सबसे पहले ये वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके 1 लाख से हमें 1 मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सामने है भाई हयातो, बस वेस्ट पावर है 225 स्किल लेवल के, अभी बचे 169, यानी एक शॉट में 169 यानी 169। अब गाइस इस साइड से देखते हैं तो सबसे पहले अब यहाँ पे सीरू जब हमें डायमंड देगा तो भाई 141, तो कहीं ना कहीं भाई हयातो से ज़्यादा यहाँ पे सीरू करेक्टर फर्स्ट यहाँ पे बुलेट पे यानी फर्स्ट फायर पे ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट पे अटैक करता है। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हमें समझ में आता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अब जो हम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक करने वाले हैं। और गाइस एक चीज़ मैं आप सभी को और भी चीज़ सिखा देकर चलता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ। अभी सबसे पहले 3 लेवल यहाँ पे, 3 लेवल ठीक है, यानी वेस्ट हमारे 3 लेवल। अभी देखते हैं यहाँ पे कितने यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है हमारा आर्मर पेंट्रेशन, यानी कि भाई 178 बचे तो भाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपेयर टू सीरू, मतलब सीरू ज़्यादा इफेक्ट करता है आर्मर पेंट्रेशन पे, समझ रहे हो। एंड सो गाइस यहाँ पे अभी हम करने वाले हेड वाला काम, तो भाई हेड शॉट वाला कमाल होगा। बट उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हो फैक्टो आर्मी के यानी फैक्टो गेमर के, भाई आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो चीज़ वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सो गाइस, मैं आप लोग का कमेंट पढ़ता हूँ तो भाई मुझे पता चलता है आप लोग किसी कैरेक्टर को फेवर कर रहे हो, फिर किसी को फेवर कर रहे हो। मतलब भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो भी हम वर्सेस बनाते हैं वो जस्ट इन्फॉर्मेशन पे होता है, एंड आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो आप उसी को एकदम सीरियस मत लो कि यार किसी कैरेक्टर के आप यहाँ पे आपका फेवरेट हो तो ये हो जाएगा वो जाएगा, ये बच्चों वाली हरकत है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। सोचना हमेशा, मैच्योर बनो, मैच्योर थिंकिंग रखो। हर कैरेक्टर अपनी जगह बेस्ट है, हर फेट अपनी जगह बेस्ट है, बट सभी की एबिलिटी अलग है, जो कि हमें यहाँ पे अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है। सो गाइस, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे डीजे लोग सभी का फेवरेट था, बट जैसे क्रोनो आया भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे मैक्सिमम बंदे क्रोनो की तरफ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे सिंपल सा सीन है ग्रेना का कि यहाँ पे इन फ्यूचर ऐसे ऐसे कैरेक्टर या ऐसे ऐसे चीज़ आते रहेंगे जो कि आपको अलग अलग चीज़ जगह शिफ्ट करेगा, और यहाँ पे ग्रेना भी यही चाहता है कि भाई अलग अलग चीज़ आप ट्राई करो। तो यहाँ पे एक चीज़ पे आप मत रहो और किसी भी चीज़ को भाई इतना सीरियस मत लिया करो, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ बिकॉज आप यहाँ पे फैमिली मेम्बर की तरह हो मेरे, तभी समझा रहा हूँ। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैच्योर बनो और वीडियो को एक वीडियो की तरफ लो, और उसी के साथ साथ भाई यहाँ पे तगड़ा वाला सपोर्ट देना है। मैं आप सभी को एक बेस्ट कंटेंट, बेस्ट वीडियो, उसी के साथ साथ बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने का हमेशा ट्राई करता हूँ, तो भाई तगड़ा वाला सपोर्ट भी दिखा देना। चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस देखो, अभी हमारे पास 155 का हेलमेट है, यानी जो हमारा 2 लेवल का हेलमेट है उसमें 155 पावर है। बट जैसे हयातो ने हम पे अटैक किया, डायमंड हयातो पहले से था तो यहाँ पे काम किया, तो भाई हमारे पूरा वेस्ट टूट गया। लेकिन जब हमने फायर किया तो भाई बंदे नॉक हो गए, मतलब ये समझ लो कि ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट करता है हमारा सीरो करेक्टर। तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पे इस बार फिर देखते हैं तो इस बार यहाँ पे भाई देखो सीरो करेक्टर बच जाता है, बट उसका वेस्ट पूरी तरह से, यानी जो उसका हेलमेट है पूरी तरह से टूट जाता है। बट यही हम यहाँ पे हयातो के साइड में देखते हैं तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ में आता है, और ऐसे भी यहाँ पे दोनों की एबिलिटी समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। जो हमारा हयातो है सिर्फ 10% पेंट्रेशन करता है, यानी तोड़ता है वेस्टर्न हेलमेट को, और जो सीरो करेक्टर वो 100%, तो भाई यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। अभी देखना यहाँ पे हेलमेट के साथ साथ हम खुद यहाँ पे नॉक हो जाते हैं, तो ऐसा सीन होता है। बट वीडियो का स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सभी को एक बेस्ट ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है रूटर। अब यहाँ से आप बहुत सारे डायमंड ले सकते हो, कैसे, तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, सब भी लोग जाओ एंड ट्राई करो, इस ऐप को इंस्टॉल करो, ओपन करो, यहाँ पर आप गेम प्ले देखो एंड लाइव देखो, बहुत सारे क्वाइन मिलेंगे, और यहाँ पर अलग अलग मिशन को कम्प्लीट करके क्वाइन इकट्ठे कर सकते हो, और उस क्वाइन के बदले आप सभी को मिलेंगे
पेटीएम कैश। अगर आप पेटीएम नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हो डायरेक्ट डायमंड, डीजे अलो, क्रोनो करेक्टर भी ले सकते हो। तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, सब भी लोग ट्राई करो। देखो यहाँ पे कई कई ऑप्शन है, तो बहुत सारे ऑप्शन है डायमंड लेने के भी। तो जितना ज़्यादा कॉइन इकट्ठा करोगे उतना ज़्यादा डायमंड आप लेने वाले, तो ये एक बहुत बड़ा लूट चल रहा है। तो जाकर ट्राई कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाओ एक बार चेकआउट कर लेना। जितना ज़्यादा कॉइन उतना ज़्यादा डायमंड तो भाई कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे मैंने इस पेट को क्यों लिया, पोडिंग पेट को। गाइस जो हमारा सीरो है और जो हयात तो है, दोनों के पास एक यहाँ पे एबिलिटी तो है, और यहाँ पे सीरो के पास एक ज़्यादा एबिलिटी भी है कि वो स्पोर्ट भी करता है, वो मैंने आपको पहले से बता रखा है। बट यहाँ पे दोनों करेक्टर हमारा वेस्ट को डायमंड्स करता है, बट ये भाई साहब भाई कुछ अलग करता है। सो गाइस जो हमारा पोडिंग पेट है वो डॉक्टर का काम करेगा, मतलब यार ये वेस्ट और हेलमेट को अपग्रेड कर देता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी पता चले कि भाई अगर यहाँ पे वेस्ट तोड़ने वाले कैरेक्टर भी है और हेलमेट तोड़ने वाले, तो भाई हेलमेट जोड़ने वाले एंड वेस्ट जोड़ने वाले भी पेट है, समझ रहे हो। तो गाइस देखो इसकी एबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गेम में चलते, यहाँ पे देखो मेरा वेस्ट थोड़ा डैमेज है, वन लेवल का ही वेस्ट था। तो यहाँ पे देखो सीन क्या है, यहाँ पे देखो भाई हर सेकंड में मेरा हाईएस्ट लेवल, तो हर सेकंड में यहाँ पे ये अपग्रेड हमें कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, देख रहे हो क्या सीन है। अगर हमारे हेलमेट भी डैमेज होते तो हेलमेट को भी अपग्रेड करता। अगर वन लेवल के हेलमेट है तो वन लेवल फुल अपग्रेड कर देगा, टू लेवल है तो टू लेवल फुल, थ्री लेवल है तो थ्री लेवल फुल। सो गाइस इस वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। तब तक गुड बाय।